अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे पैरियस होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक साइन अप किया था स्क्वेयर स्पेस के ऊपर। मैंने आप लोगों को दिखाया था किस तरह से सेटअप डेट चूज करनी है, किस तरह से वो सारे प्रोसेस करने हैं, और एट द एंड हम यहाँ पे अपना सक्सेसफुली साइन अप कर चुके थे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बात करूंगा स्क्वेयर स्पेस के पेज बिल्डर के अबाउट। पेज बिल्डर बेसिकली क्या होता है, न्यूबीज के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेज बिल्डर एक ऐसा सिस्टम होता है किसी भी CMS के अंदर, बेसिकली स्क्वेयर स्पेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो पेज बिल्डर क्या करता है कि पेज बिल्डर को यूज करते हुए आप डिफरेंट सेक्शंस डिजाइन कर सकते हैं वेबसाइट के विदाउट राइटिंग ए सिंगल लाइन ऑफ कोड। इसके जरिए आप डिफरेंट सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनको डिजाइन कर सकते हैं और बहुत सारे काम इसके कर सकते हैं जो भी एक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मजीद जानते हैं स्क्वेयर स्पेस के पेज बिल्डर के अबाउट। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और सक्सेसफुली अपना जो साइन अप है वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम यहाँ पे हमारे पास देखिए पूरा जो डेमो है, टेम्पलेट है, वो यहाँ पे हमारे सामने, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं पे भी एडिट का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट का, अगर हम इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टूल्स नजर आने शुरू हो जाएंगे जिसको हम पेज बिल्डर कहेंगे। और यहाँ पे देखें, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन नजर आ गए, इसको मैं सिंपल स्किप कर लूंगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए आप कुछ ऑप्शंस नजर आने शुरू हो गए हैं हमारे पास। यहाँ देखिए सेक्शन, ऐड सेक्शन, ऐड ब्लॉग, और यहाँ पे देखिए एडिट सेक्शन, और यहाँ पे ये यह हमारे पास टेक्स्ट के इर्द गिर्द कुछ ब्लू लाइंस आ रही हैं। तो बेसिकली उस पेज बिल्डर के ही सेक्शंस हैं जिनको हम एडिट कर पाएंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन है ब्लू कलर के अंदर और यहाँ पे एक ब्लॉग है। तो सेक्शन को हम एडिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिंपल ये ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिकली एडिट सेक्शन। तो हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और मजीद कुछ पैनल हमारे सामने खुल जाएगा जिसको यूज करते हुए हम इस सेक्शन को एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, फॉर्मेट, बैकग्राउंड और कलर्स। फॉर्मेट का आपको बेसिकली अंदाजा हो रहा है कि हम इस सेक्शन का जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर पाएंगे, इसको हम किस तरह से देखना चाह रहे हैं, इसका हाइट जो है वो कम या ज्यादा करना चाह रहे हैं तो इस तरह से वो हम कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलाइनमेंट को हम चेंज करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे। अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो बैकग्राउंड के अंदर आपने अगर कोई भी यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी इमेज लगी हुई है, इस इमेज को रिप्लेस करना है, एडिट करनी, डिलीट करनी, कोई और इमेज लगानी है तो वो लगा सकते हैं। आप वीडियो लगा सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर, कोई भी आर्ट लगा सकते हैं और यहाँ पे इमेज को इफेक्ट दे सकते हैं। ओवरले यहाँ पे देखिए इमेज के ऊपर एक ब्लैक सा इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, उसका ओवरले यहाँ पे हम ओपेसिटी इसको हम कम या ज्यादा कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आपको बैकग्राउंड से रेलेवेंट नजर आ जाएंगे। इसके बाद बात आ जाती है कलर्स की, और यहाँ पे देखिए डिफरेंट कलर्स है जिसको हम मजीद एंड के अंदर डिटेल के अंदर भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर डिफरेंट कलर्स आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए मैं उसको उसी तरह से रहने दूंगा, और ये था ऑप्शन हमारे पास एडिट का, ओके। वापस हम जैसे साइड पे क्लिक किया वो ऑप्शन गायब हो गए और हमारे पास सेम वही तरह से ऑप्शंस आ गए। अब लेट्स सपोज मुझे इस हेडिंग को एडिट करना है, जैसे मैंने इस पे क्लिक की और इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए काफी सारे ऑप्शंस मेरे पास आ गए। अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है, इसको बोल्ड करना है, मजीद यहाँ पे देखिए इस तरह से बोल्ड करना है, और यहाँ पे इसको इस पूरे टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कलर डालना है, तो वो हम क्या कर पाएंगे, उसको कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर उसको रिमूव करना है वापस, तो हम इस तरह से रिमूव कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे चैट विद मी, और यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है लिंक का, इसका मतलब है इसके ऊपर आप लिंक क्लिक कर सकते हैं। इसको मैं जैसे एडिट करूँगा यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे सर्विसेज, या फिर मैं कह सकता हूँ अबाउट अस, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो उसका परमा लिंक डाल सकते हो, जैसे यूर वेबसाइट फॉरवर्ड स्लैश जो भी पेज का यूजर नेम होगा। इस तरह से मैं यहाँ पे अबाउट डालता हूँ, अभी करेंटली हमने कोई पेज क्रिएट किए नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, लेकिन अभी के लिए मैं इसको बस बेसिकली ऐसे ही डाल, राइट। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आ गया। फिर अगर मैं मजीद नीचे जाऊँ और यहाँ पे देखिए ये बटन है हमारे पास, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसको मैं एडिट करूँगा, मजीद इसका डिज़ाइन के सेक्शन नज़र आ गए, ठीक है, कि इसको आप डिज़ाइन कर सकते हो, इसको फिट कर सकते हो, इसके डिफरेंट स्टाइल चेंज कर सकते हो, इसका कंटेंट चेंज कर सकते हो, और सारी चीज़ें। राइट साइड पे क्लिक करूँगा, अगेन मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये पेज बिल्डर काम करता है। और यहाँ पे देखिए ये सेक्शंस हैं, अब इस वाले सेक्शन को मुझे नीचे लेके आना है, चले इस पर बात कर लेते हैं। जैसे इस वाले सेक्शन को मुझे नीचे लेके आना है और इस वाले सेक्शन को ऊपर लेके जाना है, तो वो मैं किस तरह से करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे इस सेक्शन को नीचे की तरफ धकेल देता हूँ और नीचे वाले सेक्शन ऊपर आ गया, तो इस तरह से आप सेक्शन की अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस सेक्शन को मुझे डुप्लीकेट करना है तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए ये पूरे का पूरा सेक्शन डुप्लीकेट हो गया। इस सेक्शन को मुझे रिमूव करना है तो सिंपल मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देखा मुझे ऐड ब्लॉक करना है तो यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शंस आ गए कि मुझे यहाँ पे कोई और चीज़ ऐड करनी है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड करना है,
एक और बटन ऐड करना, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास बटन आ चुका है। इसके अंदर इसको मैं इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ इस तरह से जहाँ पे भी रखना चाहूँ वहाँ पे रख सकता हूँ, राइट। और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास बटन आ गए। इसकी मजीद सेटिंग्स करना चाहते हैं तो उसकी कर सकते हैं सेटिंग। तो ये था एक बेसिक सा ओवरव्यू कि किस तरह से आप जो है पेज बिल्डर को यूज़ कर सकते हैं और पेज बिल्डर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ये बेसिक ओवरव्यू था। आगे चल के इसको हम मजीद देखेंगे और इसके एक एक कंपोनेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम स्क्वेयर स्पेस के ऊपर किस तरह से काम करने वाले हैं और आपको किसी तरह का कोई कोड रिक्वायर्ड नहीं है वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। तमाम एलिमेंट्स प्री बिल्ट हैं पेज बिल्डर के अंदर, जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इनको अपने मुताबिक एडजस्ट करना है जिस तरह से भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आए होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली मैनेज में पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।